बड़ी खबर आ रही है यूपी के अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों कोरोना की वजह से बड़ी संख्या में प्रोफेसर्स की मौत के मामले में अब वैक्सीनेशन नहीं होने पर सवाल उठने लगे हैं। एएमयू के कुलपति तारिक मंसूर ने यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि कर्मचारियों के ओर से वैक्सीन लगवाने से परहेज करने की वजह से इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की कोरोना से मौत हुई है। पिछले हफ्ते एएमयू के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसी तरह इशारा किया था, जिसके बाद एएमयू के कुलपति ने अब यूनिवर्सिटी के सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की और वैक्सीन लगवाए जाने की जानकारी साझा करने को भी कहा है। देखिए, इसके बारे में तो खैर मेडिकल कॉलेज बताएगा, क्योंकि सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं, जो कॉज ऑफ डेथ है वो उनके पास है। हम तो इसके बारे में बहुत ज्यादा, लेकिन इतनी जरूर है कि हमें जो हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से यह है कि जिन अब तक के जिन लोगों की का इंतकाल हुआ है उनमें से शायद किसी ने वैक्सीनेशन कराया हो। तो अभी हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि किसी ने वैक्सीनेशन कराया हो और उसकी डेथ हो गई हो टीचिंग स्टाफ से। वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ही तेजी के साथ जालना मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहा है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने बहुत ही स्ट्रांग अपील करी है एएमयू के एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली से कि वो अपने को और अपने फैमिली मेंबर्स को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पर लगाएं। इसमें डिटेल्स ये है कि एज ग्रुप 18 से लेकर 44 साल तक जो है वो मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में जाके वैक्सीनेट करवा सकते हैं, और एज ग्रुप 45 साल से ऊपर जो है वो न्यू एग्जामिनेशन हॉल JNMC में करवा सकते हैं। अजीत सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, आखिरकार ये जो प्रोफेसर हैं या वहाँ के कर्मचारी हैं वो क्यों वैक्सीन लगवाने पर हिचकिचा रहे थे, जबकि वहां पर ही मेडिकल कॉलेज में ही ये सुविधा थी कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं? देखिए बिल्कुल अर्पिता, अगर वो हिचकिचाए नहीं होते और अगर उनमें भ्रम की स्थिति नहीं होती तो उन्होंने वैक्सीन लगवाई होती, और अगर वैक्सीन लगवाई होती तो 17 प्रोफेसरों की मौत नहीं होती। एमयू के कई सारे कर्मचारी और प्रोफेसर की मौत हो गई, और यही बात अब तारिक मंसूर जो एमयू के वाइस चांसलर वो कह रहे हैं कि सभी लोग वैक्सीन लगाएं और इसकी जानकारी साझा करें। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना के बाद जब 17 लोगों की मौत हुई थी एमयू में और वो अलीगढ़ गए थे, तो उन्होंने इस बात को इशारे में कहा था कि वैक्सीनेशन इसीलिए जरूरी है, सरकार टीकोत्सव क्यों चला रही है, 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य क्यों रखा गया, जिससे लोगों की जान ना जाए, और अगर इन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी होती तो कैजुअलिटी ना के बराबर होती जो कि सामने आ रही है रिपोर्ट में और जो सरकारें बता रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति की वजह से एमयू के कर्मचारी और प्रोफेसरों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, और ये बात अब तारिक मंसूर जो वाइस चांसलर वो भी कह रहे हैं कि लोग अब वैक्सीन लगाएंगे, उसको साझा करेंगे। और सबसे बड़ी बात अर्पिता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर यानी मेडिकल कॉलेज के अंदर ही वैक्सीन सेंटर भी बनाया गया था, उसके बावजूद आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा। तो अब तारिक मंसूर यानी जो वाइस चांसलर है उनकी तरफ से कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, जो वहां लोग रह रहे हैं, जो कर्मचारी रह रहे हैं, जो वहां के छात्र हैं, अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो आप इससे कम से कम इस महामारी से बचेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब को लेकर ये सवाल जरूर खड़ा हो गया कि आखिर वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगवाया गया, और अगर लगवाए होते तो ये बड़ी घटना न घटती, जो जिसकी वजह से आज एमयू के वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखनी पड़ रही कि आप लोग वैक्सीन लगवाइए और उस वैक्सीनेशन की तस्वीरें भी साझा करिए। ठीक है अजीत, 15 मई को बकायदा जब यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे एमयू में, तो वहां के प्रोक्टर जो थे वसीम, वो तो इस बात को लेकर गारंटी दे रहे थे कि साफ साफ तौर पर कह रहे थे कि कोई वैक्सीन नहीं लगवाएगा। क्या उसी का खामियाजा उठाना पड़ा उन प्रोफेसर्स को जिनकी जान चली गई, उन कर्मचारियों को जिनकी जान चली गई? देखिए बिल्कुल अर्पिता, जो वैक्सीन ना लगवाई, जिन्होंने नहीं लगवाई, उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। और ऐसे प्रोफेसर जो वसीम कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, कई सारे ऐसे बयान बहुत सारे जगहों से आए कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन के पीछे ये कारण है, कोई पॉलिटिकल कारण बता रहा था तो कोई धार्मिक कारण बता रहा था, लेकिन उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जो लोग इस वक्त दुनिया में नहीं है, जिनका इंतकाल हो गया, और एमयू के बड़े बड़े प्रोफेसर 17 बड़े जो प्रोफेसर थे उनकी मौत हो गई। तो इन सब को लेकर कहीं ना कहीं वसीम जैसे लोग ही जिम्मेदार होते हैं जो लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करते और ये कहते कि वैक्सीन नहीं लगवानी, अगर वैक्सीन लगी होती तो आज वो हमारे बीच में होते और ये प्रोफेसर जो बच्चों को शिक्षा दे रहे थे आज भी शिक्षा के लिए देने के लिए तैयार रहते। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा रीजन था कि वैक्सीन नहीं लगवाया गया, जिसकी वजह से ज्यादा कैजुअलिटी हुई, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, जिससे इस महामारी से निपटा जा सके और कैजुअलिटी का जो आंकड़ा है उसे घटाया जा सके। अर्पिता अजीत, आप नजर बनाए रखिए, वहीं देश में ब्लैक फंगस के मरीजों के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस बीच